द्वार से जाई पुनर्जन्म के और यार छोटी सी बच्ची परी बिटिया परी की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आ रहा पार्टी को सर धन्यवाद है। या द्वार पर या घर में गृहिणी है और भिखारी को या साधु को भिक्षा नहीं देती है और वो भिखारी या साधु द्वार से चला जाता है तो इस जन्म की बात ही क्या है। पूर्व जन्म में पिछले जन्म में जो पुण्य के कार्य किए हुए होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं माता। और आपने मुझे ऐसा वैसा साधु समझ रखा है। और ये आ गई छोटी सी बच्ची बिटिया परी की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी को सर धन्यवाद। मैं त्रिकाल दर्शी हूँ साधु और मैं त्रिकाल दर्शी सत्व अपनी दिव्य दृष्टि देख रहा हूँ। एक बड़े बड़े सिंह वाला मृग तेरे पति को मार रहा है और अपनी रक्षा के लिए अपनी सहायता के लिए बचाओ लक्ष्मण बचाओ लक्ष्मण हाथी से की आवाज मैं जा रहा। ठहरो बाबा ठहरो, आप हमारे आश्रम से खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। ठहरो बाबा कि देवरी छोटी सी बच्ची बिटिया परी की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार और ये आ गए हमारे श्रीमान जसकरण दादा। 40 जसकरण दादा इनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी को सब धन्यवाद। ठहरो बाबा हमारे लखन देवर ज्ञान रहे या न रहे परंतु मैं आपको भिक्षा इस रेखा से बाहर निकल के अवश्य देती हूँ। की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी को सर धन्यवाद और ये आगे श्रीमान जसकरण दादा इनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार 60 रुपए। सीते और मैं जोगी नहीं वो रावण हूँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं तोता जो हमें
तरफ से, इनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीट पे आ रहा है। और उनका कहना है पराई नारी का हर कना चाहिए मार डालेगा। और मानो कि मुझमें को नहीं समझ सकी, रेखा के बाहर आ गई सीते, वही तेरा दास लंकेश हूँ लंकेश। हाँ भाई, माताएं बहनों से हमारा कहना है 20 मिनट की शेष लीला और रह गई है, आप लोग 20 मिनट का और समय दीजिएगा। और सुबेरा तो हो है गवा चौका चूल्हा सबका घर का, खाना बने हो, खा ली हो, सो ली हो, बस। अरे कायर पापी दुष्ट, मेरा कहना मान, तू यहाँ से चला जा, तुझको नहीं मालूम है रे दुष्टी। स्वामी आने वाले ही हैं, तू क्यों मरना चाहता रे, चला जा यहाँ से। देखता हूँ तुझे बचाने के लिए कौन आता है। सीता